आज हम बात करेंगे शुजाहत के पैकर उस नौजवान की, जिसने न सिर्फ 150 नौजवानों के साथ लाहौर पर हमला करने वाले दुश्मन को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया, जिसने राय हक में जान तो दे दी लेकिन अपनी पाक धरती का एक इंच भी दुश्मन के कब्जे में नहीं जाने दिया। आज दुनिया जिसे मेजर अजीज भट्टी शहीद और मुहाफ़िज़े लाहौर के नाम से जानती है। मेजर अजीज भट्टी शहीद 16 अगस्त 1928 को हांगकॉन्ग में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम राजा अब्दुल्ला भट्टी था, जो रोजगार के सिलसिले में हांगकॉन्ग में मुकीम थे। राजा अजीज भट्टी बहन भाइयों में चौथे नंबर पर थे। इब्तदाई तालीम हांगकॉन्ग में ही हासिल की। अजीज भट्टी बचपन से ही सबकी आंख के तारा थे। 1939 में दूसरी जंग अजीम शुरू हुई तो हांगकॉन्ग भी उसकी जद में आ गया। हांगकॉन्ग में मुकीम अजीज भट्टी के अहली खाना के लिए ये कड़ा वक्त था। 1946 में हालात के पेश नज़र उन्होंने हिजरत का फैसला किया और पाकिस्तान में अपने आबाई गांव लादिया के मकाम पर आबाद हुए, जो ज़िला गुजरात में वाक़ है। और कुछ ही अरसे बाद उन्होंने ऑल इंडिया फौज में शमूलियत इख्तियार कर ली। उसी साल पाकिस्तान भी मार्ज़े वजूद में आ गया। यूं भट्टी साहब रावलपिंडी आ गए और पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का हिस्सा बन गए। अपनी काबिलियत के बलबूते पर बेहतरीन कैडेट का एजाज भी जीता और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी हासिल की। पासिंग आउट परेड में उन्हें शहीद मिल्लत लियाकत अली खान ने गोल्ड मेडल से नवाजा। राजा अजीज भट्टी ने पंजाब रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट की हैसियत से शमूलियत इख्तियार की और 1956 में तरक्की करते करते मेजर बन गए। सितंबर 1965 को जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो मेजर अजीज भट्टी लाहौर सेक्टर में बरकी के इलाके में एक कंपनी की कमान कर रहे थे। इस कंपनी के दो प्लाटून बीआरबी नहर के दूसरे किनारे पर मुतायन थे। मेजर अजीज भट्टी ने नहर के अगले किनारे पर मुतायन प्लाटून के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। इन हालात में जब दुश्मन ताबड़तोड़ हमले कर रहा था और उसे तोपखाने और टैंकों की पूरी पूरी इमदाद हासिल थी, मेजर अजीज भट्टी और उनके जवानों ने अहनी अजम के साथ लड़ाई जारी रखी और अपनी पोजीशन पर डटे रहे। 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात को दुश्मन ने इस सारे सेक्टर में भरपूर हमले के लिए अपनी एक पूरी बटालियन झोंक दी। मेजर अजीज भट्टी को सूरत हाल में नहर के अपनी तरफ के किनारे पर लौट आने का हुक्म दिया गया, मगर जब वो लड़ बिड़ कर रास्ता बनाते हुए नहर के किनारे पहुंचे तो दुश्मन उस मकाम पर कब्जा कर चुका था। उन्होंने एक इंतहाई संगीन हमले की क्यादत करते हुए दुश्मन को इस इलाके से निकाल बाहर किया और फिर उस वक्त तक दुश्मन की जद में खड़े रहे जब तक उनके तमाम जवान और गाड़ियां नहर के पार ना पहुंच गई। उन्होंने नहर के किनारे पर कंपनी को नए सिरे से दिफा के लिए मुनज़्ज़म किया। दुश्मन अपने छोटे हथियारों, टैंकों और तोपों से बेपनाह आग बरसा रहा था, मगर राजा अजीज भट्टी न सिर्फ इस शदीद दबाव का सामना करते रहे बल्कि इस हमले का ताबड़तोड़ जवाब भी देते रहे। इसी दौरान दुश्मन के एक टैंक का गोला उन पर आन लगा, जिससे वो मौका पर ही शहीद हो गए। इस दिन 12 सितंबर 1965 की तारीख थी। सितंबर 1965 को सदर मुमलिकत फील्ड मार्शल अयूब खान ने पाक फौज के 94 अफसरों और फौजियों को जंग सितंबर में 26 बहादरी के नुमाया कारनामे अंजाम देने पर मुख्तलिफ तमगों और एजाजात से नवाजा। इन एजाजात में सबसे बड़ा तमगा निशान हैदर था, जो मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद को अता किया गया। राजा अजीज भट्टी ये एजाज हासिल करने वाले पाकिस्तान के तीसरे सपूत थे।